अरे वाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. आज मैं और पूरा पाकिस्तान आपके घर में आ गए हैं. अब आपको टेंशन तो नहीं हो रही कि सब कुछ परफेक्ट हो? नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोग को आदत है इस मौसम की. पर चले ना कहीं चल के बात करते हैं, आपको घर भी आज दिखाते हैं लोगों को माशाल्लाह से. सब कुछ आपने किया है जी, बस लगी रहती हूँ, कोशिश पूरी होती है. फाइनली जी, अब मैंने हमारे दोनों मेहमानों को यहाँ पर बिठा लिया है और अब करेंगे कुछ दिल की बातें, क्योंकि सियासत पे आप लोग बात करते रहते हैं और मसाइल भी इतने सारे हैं कि उस पर भी आप लोग बात करते रहते हैं. मेरी कोशिश होती है कि हम ज़रा हमारे गेस्ट की इमोशनल सेल्फ की तरफ जाएं और पर्सनल सेल्फ की तरफ जाएं. तो थोड़ी बहुत अगर पर्सनल बातें मैं कर लूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना. कब आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल था, करना ज़रूरी था. 10 ईयर्स. 10 ईयर्स माशाल्लाह से. सो आप लोगों की लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? हमारी लव मैरिज हुई थी. लव मैरिज थी. आपने प्रपोज किया होगा जाहिर है. जी मैंने किया. तो कैसे आपने सोचा कि आप इनके साथ जिंदगी गुजारेंगे? इनकी क्या चीज आपको पसंद आई? अच्छी लगी, कॉन्फिडेंट है, खूबसूरत है. हाँ, तो अपने जैसी लगी मुझे. तो आसान था इनसे शादी करना? घर वाले और आसान बना लिया हमने. बना दिया, तो लोग नहीं बना पाते ना. वी मैनेज्ड. हाँ अच्छा. सो अब लोग जाहिर मेन किरदार इसी का था. हमने बड़ी मेहनत की, लेकिन कैसे आपने मेन किरदार अदा किया बताएं ना जरा, कैसे हो गई शादियाँ? देखिए जमशेद, मुझे अच्छे लगे बिकॉज ये फ्लर्ट नहीं है. हाँ, हमारी सेकंड मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग एक फॉर्मल ऑफिशियल किस्म का एक लंच था, और सेकंड मीटिंग में ही इन्होंने मुझे प्रपोज कर लिया. इट मीन्स के समवन इज सच्चा आदमी और खरा. और वैसे भी मतलब माशाल्लाह मैं इनको जानती तो थी, लेकिन ये है कि जमशेद मुझे बस वो, ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, जो कहते हैं ना कि बस दिल पे छा गए और दिमाग पे भी. दैट से क्या बात है, क्या बात है. सो बेटे आपके जो है वो, अब हमारा बड़ा दिल था उनसे मिलने का, मगर वो सो गए हैं, वो सुबह के जाग रहे थे. तो उनके बारे में कुछ बताएं, कैसे आप लोग पेरेंटिंग करते हैं काम के साथ साथ, कैसे माँ हैं आप? जाहिर है आपको टाइम देना पड़ता है और बाप अक्सर काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, और फिर अपने बेटों के साथ वो दोस्ती और वो जेलिंग इन वो कभी नहीं भी हो पाती थी की वजह से. की ज़्यादा है. अरे वाह. हाँ इंटरेस्टिंग ना. तो मेरे अब तो कह सकते, एक बेटा बड़ा मेरे साथ ज़्यादा अटैच था, लेकिन अब वो भी बाबा पार्टी बन गया. तोड़ लिया आपने. हाँ हारिश शुरू से, वैसे भी वो इनकी डिटो कॉपी है, तो ये यूनियन है पूरी जी. क्या यहाँ पे बेचारी मैं एक निहत्ती लड़की. हाँ, तीन बॉयज हैं इस घर में. और जब सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है तीनों में से? आरिश छोटा, सबसे छोटा जो है, जो सुबह उठने में भी तंग करते हैं. नहीं माशाल्लाह, दे वेरी प्रैक्टिकल. ये है कि उसमें ये है कि मेरे बच्चे आम बच्चों की तरह बहरहाल नहीं है. वो कहते हैं ना कि जो आप करते हैं वो सीखते हैं बच्चे. बच्चे तो आप खुद भी इतने प्रैक्टिकल और इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं. दे वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल. ओके. जैसे आप लोगों के दोस्त भी बता रहे थे कि आपको भी कभी कभी बता देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. अच्छा तो कितना मुश्किल होता है बच्चों को पालना एक औरत के लिए अपने करियर के साथ? मुश्किल नहीं कहना चाहिए, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और ब्लेसिंग है माँ बनना. लेकिन चैलेंजिंग अगर हम कहें तो वो ज़रूर है. और बच्चे जब सॉरी टू कट यू बड़े हो जाते हैं. हाँ. तो फिर आपको वो भी ज़रा सवाल कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं आपको. और मतलब ये कि उसमें ये है कि मैं और जमशेद हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के असल इशू टाइम का बहरहाल फिर भी रहता है. हाँ, तो किस तरह मैनेज करती हैं? मेड होती थी बचपन में बच्चों के साथ, छोटे छोटे जब थे? जी बिल्कुल. उस नहीं, बचपन में मुझे बहुत बड़ी एक फैसिलिटी थी. अम्मी मेरे बच्चों को बहुत उन्होंने लुक आफ्टर किया. आपकी अम्मी? मेरी अम्मी. okay. जी. एंड उनको अब 2 साल हो गए उनकी डेथ को, तो अब मैं ज़्यादा मिस करती हूँ. मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, वरना मेरी एब्सेंस में, मेरी ट्रैवलिंग में मैंने बहुत एंजॉय किया. वो तो उन्होंने सब संभाला होगा. सब संभाला. हाँ. बेफिक्र होती थी मैं, कोई टेंशन नहीं. Exactly. आउट ऑफ कंट्री है या बाहर. उस वक्त हमारे ये था ना कि स्ट्रगल का टाइम था, अपोजिशन में थे धरने, और बहुत बहुत दिन हमें इस्लामाबाद रहना पड़ता था. धरने में भी हम बहुत अरसा रहे वहाँ पे. तब तो ये बहुत छोटे थे, आरिश अभी 1 साल का भी नहीं था. तो माशाल्लाह अभी वो 8 का है ना, तो 2013 की उसकी 13th की बर्थ है ना. हाँ, तो 14 में धरना था,
तो बहुत बहुत मुश्किल भी था, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने जो काम लेना वो ले लेता, और फिर आपको पता है कि औरत मैनेज कर लेती है, मुश्किल होता है, बहरहाल आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बनाया ऐसे है कि जो भी मुश्किल हालात हो जो भी हो मैनेज कर लेते हैं। कराची में तो बिल्कुल एक्टिविटीज़ नहीं है बच्चों के लिए, देखा जाए तो हम खाना खाने जा सकते हैं, पहले मूवी देखने जा सकते होते थे, मगर अब कोविड के बाद वो भी नहीं है। तो बच्चों के लिए क्या चीज़ें हैं पंजाब में अगर हम बात करें तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड, हमारा अपना फॉर्म है बच्चों के, वहाँ पे सारी शौक की चीज़ें हमने रखी हुई हैं। तो आरिश को चूँकि बहुत ज़्यादा शौक़ भी है इन चीज़ों का, और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें हम तो वो कहाँ पे अभी स्टैंड करते हैं? अभी जो सबसे बड़ा काम किया है ना, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट का रेट करूं, वो आपने जब सिलेबस एक कर दिया ना तो उसमें फिर बाकी तो बिल्डिंग ही है ना, बाकी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें कम से कम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हुई है, और वो एक उसी सिलेबस के अंदर रह के एक जैसे करिकुलम के अंदर रह के परफॉर्म करना बड़ा ज़बरदस्त और हेल्दी कॉम्पिटिशन। पहले लेयर्स थी ना कि हम एक लीड क्लास जहाँ हमारे जैसों के बच्चे, दूसरे फिर मदरसा का, और फिर तीसरा फिर ये उसमें तो पब्लिक स्कूल का, पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल थे वो तो किसी कंपैरिजन में नहीं थे, और फिर बेचारे पेरेंट्स इस रेस में, और एक क्राइटेरिया बन गया था अच्छा स्कूल या अच्छी एजुकेशन समझी जाती थी जितनी भारी फीसिस कोई दे। कम से कम अब लोगों को, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको पीस ऑफ माइंड तो रहेगा ना कि निसाब तो एक है ना।